हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज की हमारी वीडियो है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से संबंधित। हमने प्रश्न लिए हैं। इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, उसमें सिंपल लाभ और सिंपल हानि के हमने प्रश्न लिए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, पहले उस वीडियो को देख लें, तभी ये वीडियो आपकी अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज हमारा कि एक दुकानदार ने एक पुस्तक 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 10 रुपये में खरीदी, तो 10 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य है हमारा 10 रुपये, और 11 रुपये में बेच दी है तो ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर है 11 रुपये, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ पहले हम सिंपल लाभ निकालेंगे रुपए में, तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 11 है, माइनस क्रय मूल्य कितना था, 10, तो घटाएंगे कितना बचा, 1, यानी 1 रुपये का हमें लाभ हुआ है। अब हमसे पूछा गया है प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हुआ हमें 1 रुपये का, तो लाभ के स्थान पे 1 रुपया रखेंगे, बटे क्रय मूल्य कितना था, 10 है, तो क्रय मूल्य के स्थान पर 10 रखेंगे और गुना 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 10, तो कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ। ये प्रश्न है हमारा, एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया तथा 160 रुपये में बेचा गया है, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर है 180 रुपये, और बेच दिया है 160 रुपये में, तो ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य 160 रुपये। अब देखिए हानि हो रही है, ज़्यादा की वस्तु कम में बेची है, तो हानि का सूत्र था हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हमें, 180 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 160 रुपये, तो कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत हानि का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितने रुपए की हुई है, हमें 20 रुपये की हुई, तो हानि के स्थान पर 20 रखेंगे, बटे क्रय मूल्य कितना था, 180 रुपये है, गुना 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 × 2 और 2 से भाग करेंगे, 18 × 2 = 9, 18 ऊपर कितना बचा, 100, और बटे में कितना बचा, 9 प्रतिशत, या इसको सही में बदल लेंगे तो 11 × 99 यानी 11 सही, 1/9% भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी 500 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीद कर 450 रुपये प्रति कुंतल की दर से बेच देता है, प्रतिशत हानि बताइए। तो देखिए हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम रुपए में हानि ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहाँ पर कितने रुपये में खरीदा था उसने गेहूँ, तो वो हमारा क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये, कितने में बेच दिया है, 450 रुपये में बेच दिया है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा है 450 रुपये। तो हानि हुई है, तो हानि ज्ञात करने के लिए हम हानि का सूत्र लगाएंगे, ये हानि हमारी रुपये में है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
तो क्रय मूल्य कितना था 500, माइनस कर देंगे 450, तो 50 रुपये की हमें क्या हो गई है, हानि हो गई है। अब हमसे पूछा गया है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का सूत्र है हमारा, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब हानि हुई थी 50 रुपये की, बटे क्रय मूल्य है 500 और गुना करेंगे 100 से, तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा हमारा 50 और बटे में क्या बचा 5, 5 से भाग कर देंगे 50 में, 10 पंजे 50, तो 10% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी।